रामपुर के कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाली एक युवती के फोन पर सोनीपत हरियाणा के रहने वाले कुलदीप की एक मिस कॉल आई और युवक बार बार उससे बात करने लगा। युवती ने जब कुलदीप से कहा कि वह नौकरी की तैयारी कर रही है तो कुलदीप ने उसे बताया कि वह NLG में कमांडो है और उसकी नौकरी लगवा देगा। इसके बाद युवक आए दिन युवती के कमरे पर रामपुर आने लगा और उससे शादी करने की बात कहने लगा। युवती ने बताया कि कमांडो ने उसके बिना मर्जी कई बार उस पर शारीरिक संबंध बनाए। जब युवती को पता चला कि युवक के अन्य लड़कियों से भी संबंध है तो उसने युवक से इस बारे में पूछताछ की, जिस पर कुलदीप ने उसे मारपीट करना शुरू कर दिया। मेरे पास ऐसे रॉन्ग नंबर आया था और फिर मेरे से ऐसी वो बातें करने लगा धीरे धीरे। फिर मेरे को बोलने लगा कि मैं तुझसे शादी करूँगा और तेरी नौकरी लगवाऊँगा और मेरे से शारीरिक संबंध करने लगा। 4 साल हो गए अब मैंने उसके सबूत पकड़े हैं दूसरी अननोन लड़कियों के साथ। अब मैं उसको बोल रही हूँ तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो और मेरे को मना कर रहा है कि मैं कमांडो हूँ, तेरे से जो होना हो कर लेना, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या वादा किया था उससे? अच्छा, शादी का वादा बोला था और मेरी नौकरी लगवाने के लिए भी बोला था। क्या कहा था उसने? कि मैं तेरे से शादी करूँगा और तेरे सिवाय मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है, बस तेरे तू ही है, मैं तेरे से ही शादी करूँगा। फिर मैं कहा ठीक है। अब मैंने उसके कुछ दिन पहले उसके सबूत देखे थे और लड़कियों के साथ, तो मैंने उसको बोला तो मेरे साथ वो गंदी गंदी गालियाँ देने लगा और मारपीट भी करने लगा, जबरदस्ती भी करने लगा, बस यही सब कर रहा था। युवती ने जब इसका विरोध किया तो युवक ने उस धमकी दी कि अगर कोई कार्यवाही की तो उस अश्लील फोटो और वीडियो नेट पर डाल देगा। पुलिस के आला अधिकारियों से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे से का कहना है कि ये कुलदीप नाम का लड़का जो अपने आप को कमांडो बताता है, वो 3-4 साल से नौकरी का और शादी का झांसा लेकर मेरे से संबंध बनाए हुए था। इस संबंध में हमने मुकदमा कायम कर दिया है सिविल लाइन थाने में, उसकी विवेचना और दोष लगा कर की। पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी कमांडो के खिलाफ धारा 376, 504, 323, 420 और 406 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।